प्रताप सिंह कैरोजाट, ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। 1957 में जब सरदार प्रताप सिंह कैरो संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तब एक्स मुख्यमंत्री लाला भीमसेन सच्चर द्वारा सच्चर फार्मूला लागू किया जा चुका था। इस समझौते के तहत जालंधर डिवीजन में पहली से आठवीं तक हिंदी और अंबाला डिवीजन में पहली से आठवीं तक पंजाबी की पढ़ाई जरूरी थी, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा ना हो। सरदार प्रताप सिंह कैरो जो कि किसान कमेरे वर्ग से थे, इनका मुख्यमंत्री बनना शहरी पंजाबियों खासकर आर्य समाजियों को रास नहीं आया। इन लोगों को कैरो साहब के कांग्रेसी होने से इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी के इनके जाट होने से। मुख्यमंत्री से हटाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसकी अगुवाई की उर्दू प्रताप अखबार समूह के मालिक महाशय कृष्ण ने। इन्होंने अखबारों में दुष्प्रचार किया कि मुख्यमंत्री जबरदस्ती हिंदी क्षेत्र अर्थात हरियाणा पे पंजाबी भाषा थोप रहे हैं। यही वो लोग थे जो चौधरी छोटू राम को अखबारों में छोटू खां लिखते थे। अपनी लेखनी के माध्यम से इन्हीं के मुख्यमंत्री द्वारा लागू किए गए समझौते को सरदार साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। हिंदी आंदोलन का ऐसा सोसा छोड़ा कि भोले भाले किसान इनकी बहकाई में आके कैरो मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अगस्त 1957 में ऐसे ही विरोध का सामना कैरो साहब को सर छोटूराम आर्य कॉलेज सोनीपत में करना पड़ा। इन भांडों के झूठे आंदोलन के कारण एक किसान नेता के विरोध में सभी किसान खड़े थे। तब कैरो साहब ने भीड़ से 2 मिनट की कहकर सवा घंटे उनको समझाया कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का हित चाहता हूँ। यही लोग चौधरी छोटूराम का विरोध करते थे उनके सुनहरे कानूनों को काले कानून बता के। ये मुझे मेरे ही भाइयों से पिटवाना चाहते हैं, हमारा जूता और हमारा ही सर। तब ये हिंदू प्रेस वाला नहीं बोला, क्योंकि सच्चर उनका सीएम था और मैं आपका। धीरे धीरे कैरो साहब ने उनके झूठ और समाज को तोड़ने वाले आंदोलन की फूंक निकाल दी। स्थिति आज भी वही है। भांड मीडिया व स्वयं शंभु धार्मिक संगठन किसान कमेरों को दुष्प्रचार के द्वारा एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। जरूरत है दुश्मन को पहचानने की और किसान कमेरी जातियों में एकता की। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।